सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष आपको एक हमारे स्टीरियो है ये गाड़ी का, डिज़ायर गाड़ी का, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। हमने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट किया था तो भी कोई भी वॉल्यूम नहीं आ रही थी प्ले करने के बाद भी सॉन्ग्स। तो इसके लिए हम अभी जो है सर्विस सेंटर से बात कर रहे हैं, वो हमें सॉल्यूशन बताएंगे, तो वो सॉल्यूशन हम आपको वीडियो में दिखाना चाहेंगे। देखा इसमें सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। पहले सर ठीक है, एक और चार को प्रेस करके रखेंगे, तीन वाले को तीन बार क्लिक किया, SYS 311 आ गया, 3011। सारे बटन छोड़कर तीन नंबर का बटन हमने दबा के रखा, बीप साउंड आनी चाहिए। बीप साउंड आई नहीं वैसे। हाँ बटन चर्न ऑफ करना है, ठीक है हमने ऑफ कर दिया, अब ऑन कर दिया। ब्लूटूथ सेटअप में जाके अभी थोड़ी देर में खुलेगा वो, है ना। तो ये जो म्यूज़िक की प्रॉब्लम आ रही है ये ब्लूटूथ से रिलेटेड है, सॉन्ग नहीं आ रहा, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा है जो। अच्छा हाँ, दूसरा मोबाइल भी चेक किया था, आ रही थी दिक्कत। हाँ एक तो मुझे पता है वो MI का है, और एक दूसरा पता नहीं, अभी पता करना पड़ेगा। अब ये सेटअप में जाके इनिशियलाइज करना है, ये सेटअप में जाके इनिशियलाइज का ऑप्शन ये आ गया, ऑल इनिशियलाइज कंफर्म। अभी हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, देख सकते हैं आप, जैसा कि हमें सर्विस सेंटर वालों ने बताया, तो जो भी प्रोसेस है आप समझ सकते हैं। इसमें कोई भी ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको हम इनिशियलाइज करके देखना होता है सबसे पहले। अगर ये इनिशियलाइज हो रहा है और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत थी, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब ये हमारा इनिशियलाइज हो सकता है, अब हम देखते हैं क्या करना है इसमें। हेलो जी, इनिशियलाइज हो चुका है हमारा, बैक जाके FM मोड पे, FM मोड पे आ गए। वही एक और चार को प्रेस करके तीन नंबर को तीन बार, हाँ हो गया। पाँच मिनट का बटन दो मिनट तक दबा के रखना है, सिस्टम ओके, फिर चेक करके कंफर्म करते हैं। वो एक बार चेक कर लूँगा मैं, अभी फिर बताता हूँ। ठीक, तो ये इनिशियलाइज करने के बाद में जो बताया उन्होंने, एक और चार को दोबारा से प्रेस करके रखा था हमने, और तीन वाले को तीन बार दबाया था, उसके बाद सारे बटन छोड़ के पाँच नंबर वाले बटन को दो मिनट तक दबा के रखना है हमें, तो जिससे कि हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ऑफ हो जाएगा फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी। अभी हमारा ऑफ हो चुका है सिस्टम, अब इसको हम दोबारा से चालू करके देखते हैं, इग्निशन ऑफ करके, और रीस्टार्ट हो गया।
अब हम इसको चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हो गई। अभी हम सेटअप खोलेंगे, वो अभी रीस्टार्ट हुआ है तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये हमारा सेटअप करके देखते हैं पेयरिंग। कार ऑडियो देखिए दोस्तों, हमने ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लिया है लेकिन अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। प्ले है सॉन्ग और वॉल्यूम भी पूरा है मैक्सिमम, और यहाँ से भी पूरा है वॉल्यूम, मोबाइल में भी पूरा है वॉल्यूम, लेकिन सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है। तो इसमें हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं थी, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम एक बार और उनसे बात करते हैं, तब हमें पता चलेगा इसके बारे में। तो इसके लिए अभी हमने सर्विस सेंटर पर बात की है दोस्तों, जो प्रॉब्लम आ रही है वॉल्यूम नहीं चल रहा है। सॉफ्टवेयर का हमने पूरा चेक कर लिया, रीसेट करके सारी चीज़ें जो भी करके इनिशलाइज़ करके, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और इसमें किसी भी मोड पे वॉल्यूम नहीं आ रहा था, ना कि केवल ब्लूटूथ पे, एफएम पे भी नहीं आ रहा था। तो जो हमें सजेस्ट किया सर्विस सेंटर ने, तो उसमें हमें हार्डवेयर में इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जिसके लिए हमें ये स्टीरियो सर्विस सेंटर भेजना होगा, तभी ये ठीक हो पाएगा। और कमेंट कीजिए कोई भी दिक्कत आती है, और नियरेस्ट मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर पर विज़िट कीजिए कोई भी दिक्कत आती है। तो धन्यवाद दोस्तों।